नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुनव्वर राणा यूपी नहीं, योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे लखनऊ, उड़ीसा ने बोला बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आगामी 10 फरवरी को प्रदेश में पहले चरण के मतदान शुरू होंगे। इससे पहले चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही जुवानी जंग भी छिड़ चुकी है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के यूपी छोड़ने के बयान के बाद अब उनकी बेटी उड़ीसा राणा मैदान में आ गई है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। एनबीटी ऑनलाइन के बातचीत के दौरान उड़ीसा ने कहा कि राणा साहब को नहीं बल्कि सीएम योगी को अब यूपी से जाना पड़ेगा। उड़ीसा राणा को कांग्रेस ने उन्नाव सीट से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले मुनव्वर राणा ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनी तो वे प्रदेश से पलायन कर जाएंगे। उनके बयान पर जमकर राजनीतिक बवाल मचा। उनकी बेटी उनके बयान का बचाव करती नजर आ रही है। अखिलेश जयंत पर हमलावर सीएम बोले, पहले एक दंगा कराता, दूसरा तमाशा देखता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मेरठ में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा रहा। उन्होंने यहां की दो विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार किया। सिवालखास के बाद सीएम योगी जब मेरठ के किठोर पहुंचे तो उनके तेवर और तल्ख हो गए। मुख्यमंत्री ने यहां सपा और रालोद दोनों को निशाने पर लिया। दंगे का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले एक लड़का लखनऊ से दंगा करा रहा था तो दूसरा लड़का तमाशा देख रहा था। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने इसके साथ ही कहा कि इससे पहले दो लड़कों की जोड़ी को जनता ने ठेंगा दिखाया था, इस बार ये जोड़ी भी धराशायी हो जाएगी। सीएम योगी ने खिलाड़ियों से किया संवाद, बोले समूह ग की भर्तियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समूह ग की भर्तियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा। समूह ख और घ के पदों पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की व्यवस्था की गई है। खेलों में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सीधे BDO, DPRO, BSA और DPSP बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मंगलवार की देर शाम खिलाड़ी खेल संघ व संगठनों के पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा सामर्थ्यवान है, इसे महत्वपूर्ण मानते हुए प्रदेश सरकार ने खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया। योगी के गर्मी निकालने वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा बीजेपी गर्मी निकल गई थी जब। असुद्दीन ओवैसी आज मेरठ के सिवालखास में AIMIM के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने मेरठ के हर्रा गांव में पहुंचे थे। वहां पर मीडिया से बात करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने योगी के गर्मी निकल जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी के किसान आंदोलन वापस लेने पर गर्मी निकल गई थी। मेरठ में AIMIM के प्रमुख ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कृषि कानून वापस लेना पड़ा था तो बीजेपी की हवा निकल गई थी। जब कोरोना काल में लाशें पानी में तैर रही थी तो बीजेपी की हवा निकल गई थी। आज बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, कोविड को लेकर हर स्तर पर सावधानी बरतें। 70.1% ले चुके हैं दोनों डोज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड को लेकर हर स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि सावधानी और सतर्कता ही कोविड नियंत्रण का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर जनपद प्रयागराज में कोविड संबंधी एहतियात के साथ पारंपरिक माघ मेले का सुव्यवस्थित आयोजन जारी है। वो मंगलवार को सरकारी आवास पर टीम 9 की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर दिया है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को कोविड वैक्सीनेशन की पहली खुराक का कवच प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा है कि सभी स्वास्थ्य कर्मी, निगरानी समिति के सदस्य, जिला प्रशासन के अधिकारी सहित वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कराया है। यूपी में कब शुरू होगी स्कूलों में पढ़ाई, इस डेट को हो सकता है फैसला। देश भर के अधिकांश राज्यों में स्कूल कॉलेज अब दोबारा खुल गए हैं। 1 फरवरी से झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। ऐसे में यूपी और दिल्ली में अभी तक स्कूलों को खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह यूपी में हुई कोरोना समीक्षा की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि शैक्षणिक संस्थान अभी 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने अपने आधिकारिक आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यूपी में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन क्लासेस के लिए 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। 4 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की बढ़ेगी रफ्तार, हाईवे पर 46,627 करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार। राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे के मामले में यूपी को केंद्र ने बड़ी सौगात दी है। अब यहां पर
1553 किलोमीटर के हाईवे पर एक्सप्रेसवे की 32 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन पर 46,627 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खास बात यह है कि नए प्रावधान में 63 किलोमीटर का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा 642 किलोमीटर का वाराणसी से कोलकाता तक का एक्सप्रेसवे मेगा परियोजना को भी इस बजट से पंख लगेंगे। इस बजट में फिलहाल 16,350 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। असल में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वाराणसी से शुरू होकर बिहार, झारखंड और बंगाल तक जाएगा। अब पेंशन में आपको मिलेगा 8,517 रुपए का फायदा। ईपीएफओ ऐसे करेगा मदद। काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी पेंशन योजना पर लगी कैंपिंग हटाने की मांग को लेकर सुनवाई चल रही है। फिलहाल पेंशन के लिए हर महीने करीब 15,000 रुपए की अधिकतम सीमा तय की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब कोई कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य बनता है तब ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। वहीं कर्मचारियों के कुल वेतन का 12% पीएफ खाते में जमा किया जाता है। साथ ही यही हिस्सा कर्मचारी के अलावा संसाधन या फिर पीएफ खाते में जमा करती है। ईपीएस में मूल वेतन का योगदान 8.33% है। पेंशन फंड में हर माह अधिकतम 1250 रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। नियमों के अनुसार अगर कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपए है या इससे ज्यादा है तब पेंशन खाते में 1250 रुपए जमा किए जाते हैं। ईपीएफओ के सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा ने कहा कि अगर पेंशन से 15,000 रुपए की सीमा खत्म होती है तो 7,500 रुपए से ज्यादा पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके लिए ईपीएस में संस्थान के योगदान को बढ़ावा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार ने 14% बढ़ाया महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उन्हें 2022 का सबसे शानदार तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफे की घोषणा की है। वहीं सरकार ने महंगाई भत्ते में 14% का इजाफा किया है। हालांकि यहां पर आपको बता दें कि डीए में ये बढ़ोतरी सिर्फ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के कर्मचारियों के लिए की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2007 वेतनमान के तहत सीपीएसईएस के अधिकारियों और गैर संघीय पर्यवेक्षकों को अब 184.1% की दर से डीए मिलेगा। यानी अभी तक 170.5% डीए दिया जा रहा था। अंडर सेक्रेटरी सैमुअल हक के अनुसार सीपीएसई के बोर्ड स्तर और उससे नीचे के अफसरों और पर्यवेक्षकों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। फरवरी में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, हड़ताल का भी ऐलान, जल्द निपटा ले जरूरी काम। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक इस महीने कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं बैंक कर्मचारियों ने 23 फरवरी और 24 फरवरी को हड़ताल का भी ऐलान किया है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन CTU और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA सहित अन्य संगठनों ने मिलकर बैंक हड़ताल करने की घोषणा की है, जिसमें देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक शामिल होंगे। जिसकी वजह से 23 से लेकर 27 फरवरी तक के 4 दिन कामकाज नहीं होगा। अगर संगठन 23 और 24 फरवरी को हड़ताल पर रहते हैं तो फरवरी में 23 से 27 तारीख यानी 5 दिन में 4 दिन बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। 23 और 24 को हड़ताल और 26 और 27 फरवरी को क्रमशः चौथा शनिवार और रविवार होने के कारण बैंक में काम नहीं होगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।